हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ के लोक परवा पर कोरोना का साया, दशमी पर बिना श्रद्धालुओं के हुई मसूरिया मंदिर में आरती, नहीं भरा खेजड़ली व वीर तेजाजी का मेला। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की दशमी पर मारवाड़ में प्रतिवर्ष मेलों का उत्साह छाया रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। कोरोना के कारण दशमी पर लगने वाले मेलों की रंगत पर पानी फिर गया। लोक देवता बाबा रामदेव, खेजड़ली की शहीदी मेला और खरनाल के प्रसिद्ध वीर तेजाजी की याद में भरे जाने वाले मेले आज श्रद्धालुओं को तरस गए। कोरोना संक्रमण के कारण सभी मेले स्थगित कर दिए गए। लोक देवता बाबा रामदेव का पुण्य समाधि दिवस दशमी शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। मसूरिया रामदेव मंदिर का संचालन करने वाले पीपा क्षत्रिय समस्त न्याय ट्रस्ट सभा के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि सुबह 6:15 पर बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ समाधि स्थल पर 51 ज्योत की आरती की गई। मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर साल की तरह किट्टी प्रसादी का भोग लगाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भक्तों को प्रसादी का वितरण नहीं किया। बाबा के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल पर कुछ पुजारियों ने भोग लगाने के साथ विशेष रूप से आरती अर्चना की। हालांकि आसपास रहने वाले कुछ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, लेकिन प्रवेश द्वार बंद होने से उन्होंने बाहर से ही धोख लगाई। वहीं पेड़ों की रक्षांत प्राणों का परित्याग करने वाले 363 लोगों की याद में हर वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को सरदार समंद रोड स्थित खेजड़ली में होने वाला पर्यावरण प्रेमियों का मेला इस बार कोरोना महामारी के कारण नहीं भरा गया। कोरोना के ग्रहण के कारण ये मेला भी आज अपनी रंगत खो गया। ना तो मेला भर पाया और ना ही श्रद्धालु इस बार जुट पाए। बरसों पहले खेजड़ली गांव में पेड़ों के लिए अपनी जान गंवाने वाले 363 लोगों की याद में ये मेला भरता है, इस बार प्रबंधन ने इसे स्थगित कर दिया। इसी तरह पशु प्रेम का प्रतीक वीर तेजाजी मेला नागौर जिले के खरनाल गांव में प्रतिवर्ष भरता है। वीर तेजाजी की याद में दशमी पर ये मेला अपनी रंगत पर होता है। कोरोना ने इसकी भी रंगत को लील दिया। खरनाल में भरा जाने वाला ये मेला घोड़ा दौड़ के लिए मशहूर है। जाट समाज के साथ अन्य समाज के लोग इसे उत्साह से मनाते आए हैं। मेला स्थल पर इस बार पूरी तरह सूनापन नजर आया। हर साल भादर सुदी रक्षाबंधन से लगाकर दशम तक लोबा लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर अब के कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को वेबसाइट के द्वारा दर्शन कराए गए हैं और लोग घरों में दर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी ऐसे आदमी हैं जो 15-20% आदमी हैं जो जोधपुर के लोकल, वो यहाँ पे माथा टेकने आ रहे हैं। और बाहर के आदमी जो आदमी निकल गए वो वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए और माथा टेक के गए। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।